प्यारे मित्र नमस्कार, मैं गुरमीत कौर माइथर्ड क्रिएशंस की ओर से आज हम देखेंगे लॉन्ग गाउन कटिंग का डिटेल ट्यूटोरियल। पिछली बारी जब मैंने अपलोड किया था वीडियो तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसको आप फिर से थोड़ा सा डिटेल में बताइए, कटिंग किस तरह करना है, प्लेसमेंट किस तरह करना है। तो आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगी। ये मैंने पेपर कटिंग के ऊपर बताया है इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी फैब्रिक को ये देखिए इस तरह लिया और फिर इसको हमने हाफ में फोल्ड करना है। तो ये पिछली बार भी मैंने बताया था, तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहेगा हमारा, हमने के फैब्रिक को फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए ये मेरा फोल्डेड सेट है। ओके, तो ये हमने कली काट चुकी हूँ, अब देख सकते हैं। अब ये जो मैंने जो कली हमने काटी थी ये मेरी मिडल पैनल है। ओके, इसमें तीन होगी, एक मिडल पैनल एंड दो साइड के पैनल्स। ओके, तो ये जो फोल्डेड सेट एक कली जो हम जब पैटर्न ड्राइंग करते हैं, जब मैंने कली का पैटर्न ड्राइंग कराया था आपसे, वो ये रहा। ओके, तो जब हम इसको ड्राइंग करते हैं तो हम इसको फोल्डेड सेट, तो ये मेरी फोल्डेड सेट है। अब इस फोल्डेड सेट को आपने क्या करना है, इसी फोल्डेड सेट को ये इस तरफ, ये मेरा फोल्ड, हमने ये फैब्रिक लिया था, ये फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद फोल्डेड सेट का इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो ये फोल्डेड सेट पे आपने सबसे पहले अपनी फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख के, मैं इसको पिन कर देती हूँ फोल्ड पे फोल्ड। अब ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में अब हम जो दूसरी साइड, यानी ये मेरा सेंटर, ये मेरी मिडिल पैनल निकलेगी। अब जो दूसरी ओर जो जाएगी वो मेरी जो कली है, वो ये जो स्ट्रेट साइड है वो इस तरह जाएगी इधर। ओके, आप देख सकते हैं ये छोटा साइड आएगा इस तरह से। एंड इसको मैं इस तरह से रखूंगी, इसको भी हम पिनअप कर देंगे। फिर जब आप इसका कटिंग करेंगे तब यहाँ से हमने दो दो, ये सेंटर पैनल में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो कली है, ये साइड की कली है, उसमें हमने दो दो इंच ऐड करना है। ओके, और फिर दो दो इंच ऐड करते हुए आपने इसको इस तरह से लेके जाना है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। तो अब मैं ये कट कर लिया सपोज हमने, तो ये साइड मैंने लिखा है ए और ये साइड भी हमने लिखा है ए। ओके, ये हो गया फाइनल। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली ये मैंने किस तरह से प्लेस किए फोल्डेड साइड पे एक कली, ये और ये, इसका ऊपर छोटा पार्ट नीचे बड़ा पार्ट, यहाँ पर ऊपर बड़ा हो जाएगा और ये नीचे छोटा हो जाएगा, और साइड से यहाँ आपको सिर्फ जो साइड की पैनल है उसमें आपको दो इंच ऐड करना है। ये जो साइड की पैनल है, ये जो साइड की पैनल है उसमें दो इंच ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसे हम कट कर लिया। अब ये देखिए, ये मान लो मेरी तीनों कली कट चुकी है। अब आपको पता मैंने यहाँ पर ए लिखा था, अब ए जो है वो इस पर भी लिखा है, तो ए जो है ये साइड पर रहेगा, ये पार्ट साइड पर रहेगा, ए वाला पार्ट। तो जब हम सिलाई करेंगे तो अब हम इसको इस तरह से सिलेंगे। ठीक है, कि ये जो साइड का हमने दो इंच लिया था वो बाहर की ओर रहेगा, ये जो हम दो इंच लेते हैं, और तो इसका भी ये वाला जो साइड है वो, ये जो साइड है वो दो इंच की है, तो ये जो सीधी साइड है उसको आप इस तरह से सिलाई करेंगे। ओके, तो ये बाहर जो होगा वो घेरा हो जाएगा। तो देखिए, ये जो मेरी जो तीन कलियाँ या पैनल्स कटी हैं, तो तीन फ्रंट के लिए एंड तीन बैक के लिए। तो फ्रंट में क्या होगा, एक मिडिल दो साइड की पैनल्स, बैक में क्या होगा, एक मिडिल दो साइड की पैनल्स। तो फाइनली फ्रंट और बैक दोनों के लिए तीन तीन कलियाँ, तो टोटल सिक्स कलियाँ आपकी लगेंगी आपको। इस तरह से फाइनली आपका ये गाउन रेडी होगा, यानी इस तरह से आपको ये सिलाई कर, जब सिलाई करोगे आप तो ऐसे पकड़ कर ये इसको ऐसे सीधे डालोगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये सिलाई हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट या कन्फ्यूजन्स जो भी थे सब क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। यदि आपको कुछ फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, या लाइव चैट में ऑन हूँ मैं, लाइव चैट में आ जाइए, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ मैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सेविंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।